हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है दो वीडियो आ चुकी है ऑलरेडी आज की डेट में अगर हम यहाँ पर देखें गिरते बाजार में ये दो स्टॉक्स ऐसे वेल एज यहाँ पर एक और वीडियो आ चुकी है कि यहाँ पर निफ्टी एक सपोर्ट लेने वाला है ओके okay, थोड़ी बहुत गिरावट के बाद और इसके बाद मेरे को लगता है कि अगले वीक इस वीक की बात नहीं कर रहा करूं अगले वीक से मार्केट सबको अच्छी होती हुई दिखाई देगी और शेयर

पे आपको वीडियो मिले और, और आप यहाँ पर देख सके बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करो जितना हो सके सीखने की कोशिश करें एज वेल एज हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठाना है तो पर्टिकुलर नंबर पे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं बेहतरीन स्टॉक्स आपको किस तरीके से चूज करने है वो सब कुछ आपको बताते हुए नजर आएंगे तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हम बात करने वाले कुछ कंपनी के रिजल्ट तो एक एक करके यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक पर्टिकुलर कंपनी के रिजल्ट जिसका नाम है श्रीराम ट्रांसपोर्ट श्री ट्रांसपोर्ट आपको पता ही है एक बहुत बड़ा ग्रुप यहाँ पर है ओके तो हम यहाँ पर इसके नंबर इन करोड्स में दे रखे ये इस क्वार्टर के रिजल्ट है लास्ट क्वार्टर के लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के रिजल्ट है क्यू के और ये कंसोलिडेट नंबर है तो हम अगर यहाँ पर देखेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसमें अगर हम बात Uh, आपका ये सारे के सारे इंटरेस्ट इनकम डिविडेंड इनकम रेंटल इनकम फीस एंड कमीशन नेट गेन और नेट गेन फ्रॉम डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंटल अंडर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कैटेगरी जितने भी ये आते हैं तो हम अदर इनकम वगैरह सब इंक्लूड करके अगर हम देखें तो इनका टोटल इनकम जो आती है वो आप देखिए 4832 पॉइंट थ्री थ्री करोड़ रुपीज इससे पहले 4702 करोड़ रुपीज इससे पहले 4443 करोड़ रुपीज अगर हम ईयरली और क्वार्टरली बेस पे बात करें तो यहाँ पर देखिए अच्छी खासी टोटल इनकम में जंप यहाँ पर लगती हुई दिखाई दी है तो कंपनी ने ईयरली क्वार्टरली बेस पे रेवेन्यू में अच्छी खासी यहाँ पर जंप देखी है बट एक्सपेंसिस की बात करें कंपनी कर के यहाँ पर एक्सपेंस देख सकते हैं कंपनी के लगभग थर्टी करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंस हुए इससे पहले थर्टी था इससे पहले थर्टी करोड़ के आसपास का यहाँ पर एक्सपेंस uh, था तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे एक्सपेंस भी उसी तरीके से कंपनी के बढ़ते हुए नजर आए हैं जिसका यहां पर सीधा सीधा असर दिखाई देगा कहां पर इनके प्रॉफिट में तो हम यहां पर टैक्सेस वगैरह सब कुछ काटने के बाद यहाँ पर देखिए ये सारे टैक्सेस दे रखे हैं ये सब कुछ काटने के बाद देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड तो यहाँ पर दिखाई देगा सिक्स एटी करोड़ रुपीज का प्रॉफिट हुआ है इससे पहले सेवन सेवेंटी वन करोड़ था इससे पहले सेवन ट्वेंटी सेवन करोड़ था तो कंपनी प्रॉफिट में है बट क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे कंपनी यहाँ पर घाटा यहाँ पर कमजोर रिजल्ट पेश होते हुए दिखाई दिए और अगर कमजोर रिजल्ट कभी भी आते हैं तो याद रखिए मार्केट तो ऑलरेडी गिर रही है एक बहाना मिल जाएगा और शेयर यहाँ पर गिरता हुआ नजर आएगा तो अगर हम यहाँ पर इसका ईपीएस भी देखे तो यहाँ पर

बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे तो यहाँ पर इस शेयर की तरफ यहां पर ध्यान रखिएगा शायद ये शेयर गिर सकता है अब बात करेंगे यहां पर रिजल्ट तो यहाँ पर थोड़ा सा रिजल्ट यहाँ पर इस डल दिखाई दिए एस बी आई कार्ड्स एंड पेमेंट के रिजल्ट है आपको होप आपके सभी के पास यहाँ पर शेयर होगा तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बेहतरीन शेयर है नो डाउट कंपनी में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर एक ग्रुप था था वो पर पर इनके शेयर बेच रहा एज एज वेल अगर हम बात करें तो एक प्रेशर बना हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ सम थिंग्स जैसे कि यहाँ पर पे लेटर का ऑप्शन आ रहा था अदर अदर ऑप्शन आते हुए दिखाई दे रहे थे इस वजह से गिरावट होती हुई नजर आ रही थी और ये शेयर अंडर परफॉर्म कर रहा था बट कंपनी के रिजल्ट काफी बेहतरीन है जो मैं देख चुका हूँ पर अगर हम बात करें इन करोड़ में रिजल्ट है टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल इनकम यहाँ पर देख सकते हैं अदर इनकम है, सब कुछ यहाँ पर मिलाने का तीन हजार एक सौ उनतालीस करोड़ की इनकम थी और इससे पहले करोड़ की इनकम तो अगर हम देखें एज एज वेल क्वार्टरली बेस पे कंपनी का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है इनकम के मामले में कंपनी ने अच्छा खासी इनकम यहां पर पेश करी है इसके अलावा हम एक्सपेंसिस की बात करें तो एक्सपेंसिस यहाँ पर दे रखे तो एक्सपेंस देखिए छब्बीस सौ इक्कीस करोड़ के एक्सपेंस इससे पहले बाईस सौ इकतीस और एक

प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें तो तीन सौ पिचासी करोड़ यहाँ पर देखिए तीन सौ पचासी करोड़ का प्रॉफिट है इससे पहले तीन सौ चौबालीस करोड़ का प्रॉफिट था इससे सौ नौ तो अगर हम बात करें ईयरली बेसिस well पे काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है कंपनी के पर यहां पर रिजल्ट काफी बेहतरीन यहां पर आते हुए दिखाई दे जिसकी वजह से यहाँ पर ईपीएस भी देखे दस उर, चार रुपए दस पैसे का ईपीएस तीन रुपए सड़स इससे पहले दो रुपए तेईस तो कंपनी का ईयरली क्वार्टरली बेस पे काफी बेहतरीन यहां पर नंबर यहाँ पर पेश किया है इसके अलावा इसी सेम तरीके से यहाँ पर इसके दूसरे

तीन से चार साल के अंदर अंदर चार से पांच गुना इन्होंने अपना पैसा कर लिया था तो अगर वो यहाँ पर तीन चार साल अगर पैसे रख के अपना पैसा डबल ट्रिपल कर सकते हैं तो सेम यहाँ पर आप भी अपना पैसा रख के यहाँ पर डबल ट्रिपल कर सकते हो और यहाँ पर एक राउंडिंग अप बना के नीचे चीजें आई थी बट यहाँ पर अगर हम बात करें रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं कंटिन्यूस बेसिस पे अच्छे आ रहे हैं आ रहे अच्छी खासी लग रही है इक्कीस की नजर आ रही है तो चीजें दोबारा ऊपर जाती हुई नजर आ रही है फोर्टी के टारगेट नजर आती जाते हैं बट चीजें यहाँ पर रुकने नहीं वाली है चीजें और ऊपर जाती हुई नजर आएगी जो हमारा ये टारगेट नजर आ रहा था वो टारगेट

से से पहले नौ, नौ करोड़ के तो अगर हम बात बात करें करें और quarterly पे काफी बेहतरीन हुई है expenses की बात expenses भी यहाँ पर थोड़े ज्यादा होते हुए दिखाई जो दो बार के इससे पहले दो पहले 2035 था अगर हम बात करें क्वार्टरली बेस पे एक्सपेंस भी ज्यादा हुए एंड टैक्सिस एंड ऑल यहाँ पर देने के बाद प्रॉफिट फॉर पीरियड की तो आठ हजार तिहत्तर करोड़ के यहाँ पर प्रॉफिट है इससे पहले सात हजार सात सौ अड़तीस करें ईरली एज वेल एज क्वार्टरली दोनों बेसिस पे कंपनी ने अच्छे खाते रिजल्ट पेश करे हैं जो कि हम यहाँ पर इनके ईपीएस में भी देख सकते हैं नब्बे पैसे का ईपीएस है इससे पहले पैस पैसा तो कंपनी का परफॉर्मेंस कंटिन्यूअस बेसिस पे अच्छा खासा है यहाँ पर देख सकते हैं पावर एक्सचेंज यहाँ पर गैस एक्सचेंज से किस तरीके से यहाँ पर क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे अच्छी खासी इनकम आती हुई दिखाई दे रही है और अलग अलग ग्रुप ने यहाँ पर इनके गैस के जो Uh, enjoy इंडियन गैस एक्सचेंज है उसमें भी इन्वेस्ट कर रखा है तो यहाँ पर उसके बारे में भी यहाँ पर अगर हम बात करें अच्छे खासे पैसे आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर इस कंपनी की तरफ भी ध्यान दीजिए आई की आई में भी एक अच्छी खासी गिरावट होती हुई नजर आई है मैं भी यहाँ पर वेट कर रहा था आई एक्स की एक बार रिजल्ट पढ़ लेते तो पता चल जाती बट यहाँ पर चीजें अच्छी खासी नजर आ रही है यहाँ पर थोड़ा सा नेट में प्रॉब्लम आ रही है आई थिंक तो यहाँ पर बाद में देख लेंगे बट आई एक अच्छे सपोर्ट पर यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट हुई तो हुई वरना अच्छे सपोर्ट पर और यहाँ पर चीजें ऊपर नजर आती है तो आई की ध्यान दीजिए अब बात करते हैं एक और ग्रुप की जिसका नाम है एचडीएफसी एएमसी की उसके भी रिजल्ट आ गया है, टोटल इनकम की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं छे सौ पैंतीस करोड़ की यहाँ पर टोटल इनकम है छह सौ आठ इससे पहले फाइव नाइन्टी फोर तो ईयरली क्वार्टरली बेस पर इनकम यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है एक्सपेंस की बात करें वन फिफ्टी करोड़ के एक्सपेंस है इस बार के इससे पहले एक सौ सैंतालीस से पहले एक सौ बारह तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे एक्सपेंस भी होते हुए नजर आ रहे हैं और हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें थ्री फिफ्टी नाइन करोड़ के यहाँ पर यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ कंपनी का नजर आ रहा है इससे पहले थ्री फोर्टी फोर था तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पर सुधरता हुआ नजर आ रहा है मतलब अच्छे खासे रिजल्ट पेश करें बट ईयरली बेसिस

HDFC, AMC. Hmm. कोई इशू नहीं है है में भी एक हो चुकी ओके okay, तो यहाँ पर ज्यादा गिरावट मुझे नजर नहीं आती बट स्टिल यहाँ पर थोड़ा सा आपको पेन हो सकता है एच डी एफ सी एम सी में जब तक नंबर यहाँ पर अच्छे नहीं दिखाता तो हम बात करते हैं दोबारा एक और कंपनी की जिसका नाम है दीपक नाइट रैट. दीपक नाइट्राइट के भी अच्छे खासे यहाँ पर आ, रिजल्ट आते हुए दिखाई दे हैं। यहाँ पर कंसोलिडेट नंबर है सेम इसके स्टैंडर्ड लॉन्न नंबर भी है इन करोड्स में यहाँ पर नंबर है अगर हम बात करते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की और सेम मैनर में टोटल uh, इनकम की बात करें लगभग सात करोड़ के आसपास का यहाँ पर इनकम है इससे पहले पांच सौ इक्यावन इससे पहले चार सौ नब्बे ईयरली क्वार्टरली बेस पे कंपनी की इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है बट साथ साथ अगर हम बात करें एक्सपेंसेस भी उसके क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जो कि आप यहाँ देख सकते हैं पांच करोड़ है इससे पहले चार सौ इक्कीस तीन सौ तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे एक्सपेंसिव बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं बट टैक्सिस एंड ऑल सब कुछ यहाँ पर देने के बाद जो प्रॉफिट हमारे हाथ में बसता है तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात करें कंपनी की एक करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट है इससे पहले छेनवे में करोड़ था इससे पहले सत्तर में तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट थोड़े से यहाँ पर आई थिंक डल आए थे जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस बट दोबारा कंपनी के ने नंबर पेश करना शुरू कर दिया वो भी अच्छे तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर कंपनी के नंबर अच्छे खासे आते हुए दिखाई दिए तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कंपनी का ईपीएस भी उसी तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आठ रुपए इक्कीस पैसे का ही है इससे पहले सात रुपये और इससे पहले सात रुपए अठारह पैसे का ही है तो कंपनी का ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर ईपीएससी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कंपनी ने यहाँ पर अच्छे खासे रिजल्ट पेश करे है तो हम यहाँ पर दीपक नाइट्राइट की भी बात करें तो पर देख सकते हैं दीपक नाइटाइड एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर शेयर पहले भागा भी था फिर उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट जैसे बिकॉज पूरी मार्केट गिर रही है है तो होती हुई दिखाई दे, दे चुकी है, ओके यहाँ पर मुझे तो सपोर्ट नजर आता है बट जब नीचे आने होती है तो आती है ओके और नीचे आती है तो एक अपॉर्चुनिटी बनती है और ऐसी अपॉर्चुनिटी का जो फायदा उठाता है उसे एक अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलता है जो की फिर अच्छा खासा रिवॉर्ड इनमें अच्छे खासे तरीके जो इसका लेवल है तीन का वो टूटता हुआ नजर आएगा कंपनी का नंबर अच्छे तो इसलिए थोड़ा सा इस कंपनी

ऊपर इसकी जो जिस तरीके के रिटर्न इसने दिए वो यहाँ पर बरकर आ रहा है और इसी तरीके से रिटर्न मिलते रहेंगे तो यहाँ पर इन पर्टिकुलर कंपनी की तरफ नजर बनाइए बट बाइंग और सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है फाइन शेयर वाइज और खुद की स्टडी करें वीडियो अच्छी लगे लाइक like करे कमेंट करे शेयर करे कोई क्वेरीज है तो क्वेरीज यहाँ पर रेस करे एज वेल एज प्लेलिस्ट को गो थ्रू करे दूसरी वीडियो को जाके देखे और यहाँ हमारा नंबर दे रखा है नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस